क्या फिर भी हम मैं रात को गई थी बिकॉज वो क्या चाहिए मुझे तो अर्पित दिसंबर में आए थे दिसंबर में आए थे मुझसे मिलने के लिए अर्पित दिसंबर में आए थे मुझसे मिलने के लिए पुणे फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोई लड़के से मिलने जाता है तो रात को जाता है क्या फिर भी हम मैं रात को गई थी बिकॉज वो कैनेडा से आया था और मैं पुणे में रह के उससे मिलने नहीं जाती तो थोड़ा अजीब हो जाता सो मैं रात को गई थी और मुझे थोड़ा सा कोल्ड था मतलब मैं खांस रही थी हम स्टारबक्स गए थे और उसने मेरे लिए गंदी सी जिंजर वाली कोई तो सूप टाइप का मतलब पता नहीं क्या था वो ऑर्डर करा और बोला आप ये पी लो और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया ये पी लो और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी आज ये जोड़ा पहन रही थी तो मुझे अभी भी याद से वो ऑरेंज जूस लेकर आया आप ये पी लो और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया तो पापा कोई और ड्रेस चाहिए और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया तो वो हमारी आया तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी आज ये जोड़ा पहन वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी आज ये जोड़ा पहन रही थी तो मुझे
अभी भी याद है, मैं बोलती थी पापा कोई और ड्रेस चाहिए मुझे, तो पापा बोलते फ्रॉक ले आओ। अभी भी उनके दिमाग में मैं वही छोटी बच्ची हूँ जो कहते हैं कि फ्रॉक खरीद लेते, तो उनको अभी भी वही चीज़ पसंद है, कहते हैं कि फ्रॉक खरीद लेते। तो उनको अभी भी वही चीज पसंद है। मैं अभी भी मम्मी के साथ सोती हूँ, घर जा आलू भुजिया बना दो। मैं अभी भी मम्मी के साथ सोती हूँ, घर जाती हूँ तो घर जाती हूँ तो अभी भी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये खाना मत बनाना, ये बनाना मैं आ रही हूँ, तो मम्मी घर जाती हूँ तो अभी भी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये खाना मत बनाना, ये बनाना मैं आ रही हूँ, तो मम्मी बहुत सारे मसाले वाली सब्जी, मैं बोलती हूँ चावल दाल कोई भी आलू भुजिया बना दो बहुत है मेरे लिए। अर्पित ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी दी है, फैमिली बहुत है मेरे लिए। अर्पित ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी दी है, अर्पित ने मुझे एक चीज बहुत अच्छी दी है, फैमिली फैमिली उसकी फैमिली उसकी मॉम, उसके डैड, उसका भाई, तीनों ही मुझे ऐसे लगते ही नहीं है कि मेरे अपने नहीं है। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे पहली बार भी मिलने पे कि वो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अब मिलने पे कि वो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। ऐसा
अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी हो रही है। दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो हमेशा से ही स्ट्रांग थी, शायद 2.5 साल पहले से, एंड हमेशा ही वैसा ही है। कुछ भी दिखाते नहीं है बट बहुत केयर करते हैं। अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी ऐसा लगता ही नहीं कि अभी अभी शादी हो रही है। ऐसा लगता ही नहीं कि अभी ऐसा लगता ही नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी जा पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी हो रही है। दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा। अर्पित पता नहीं अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी हो रही है। अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी हो रही है। दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा, लेकिन अभी शादी हो रही है। अर्पित पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं कि अभी शादी हो रही है। दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो हमेशा से ही स्ट्रांग थी, शायद 2.5 साल पहले से। हमेशा ही वैसा ही है। कुछ भी दिखाते नहीं है बट बहुत केयर करते हैं।
बहुत केयर करते हैं। बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर करते हैं। बहुत केयर करते हैं। सदे निभावन, सदे निभावन सजन बनावन यारियां, लखां दी रोटी अखां दे मोती वारियां, फाइनली आज शादी का दिन आ गया है। फाइनली आज शादी का दिन आ गया है। काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ, 2.5 साल पहले एक बात छोटी छोटी बातें मुलाकातें भी बहुत बेटा हूँ सेवन आगे लड़ाई भी बोल रहा हूँ आगे नलायक भी बोलता हूँ उसको आगे नहीं नलायक भी बोलता हूँ आगे नहीं नलायक आगे नहीं नलायक भी बोलता हूँ उसको नलायक भी बोलता हूँ उसको
ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ नालायक भी बोलता हूँ उसको दो ढाई साल पहले की बात शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से उसके बाद हुई मुलाकातें और मुलाकातें बन गई रिश्ता और आज बैठा हूँ शेरवानी में पागल है नालायक भी बोलता हूँ उसको इना यारियां दे सद के पंजा पीरानू छड़ के असला लाइया तेरे नाल ए यारिया बदलन जमाने बदलन है फसाने पर ना बदलन ना बरजन ए यारिया लागे बहुत अच्छी थी फैमिली उसकी मॉम उसके डैड उसका भाई तीनों ही मुझे ऐसे लगते ही नहीं है कि बहुत केयर करते हैं एंड हमेशा ये वैसा ही है कुछ भी दिखाते नहीं है बट बहुत केयर करते हैं ज्यादा क्या फिर भी मैं रात को गई थी ऑरेंज जूस लेकर आया एंड हमेशा ये वैसा ही है
केयर करते हैं। सदे निभावन सजन बनावन यारियां, लखा दी रोटी अखा दे मोती वारियां, बट बहुत केयर करते हैं। सदे निभावन सजन बनावन यारियां, सदे निभावन सजन बना बट बहुत केयर करते हैं। सदे निभावन सजन बनावन यारी अखा दे, सदे निभावन भावन सजन सदे 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 निभावन सजन बना सजन सजन बनावन भावन सजन बनावन।
सजन बनावन या वन यारिया वन यारी वन यारिया वन यारिया जन बना वन यारी रोटी अखा दे मोती वारी अखा दे मोती वारिया अखा दे मोती वार अखा दे मोती अखा दे मोती रोटी अखा दे
अखां दे मोती दी रोटी अखां दे मोती अखां लखां दी रोटी अखां दे मोती लखां दी रोटी लखां दी रोटी अखां दे मोती बहुत प्यार करता है सदे निभावन सजन बनावन यारिया लखां दी रोटी अखां दे मोती वारिया
फाइनली आज शादी का दिन आ गया है। काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ। 2-2.5 साल पहले की बात, शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से, उसके बाद हुई मुलाकातें और मुलाकातें बन गई रिश्ता। आज बैठा हूँ शेरवानी में, पागल है नालायक भी बोलता हूँ उसको। इना यारियां दे सद के पंजा पीरानू छड़ के असला लैया तेरे नाल ए यारियां। बदलन जमाने बदलन पसाने पर ना बदलन ना पर जन है यारियां लागे अखिया। फाइनली तोरे अंगना
फाइनली दो ढाई साल हुई लाइक भी बोलते फाइनल लिए आज शादी का दिन आ गया है काफी टाइम फाइनली आज शादी का दिन आ गया है 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 काफी टाइम लिए आज शादी का दिन आ गया है काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ दो ढाई साल पहले काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ
दो ढाई साल पहले की बात इस चीज का वेट भी हुआ। दो ढाई साल पहले की बात शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से, उसके बाद हुई मुलाकातें और मुलाकातें बन गई रिश्ता। आज बैठा हूँ शेरवानी में। अर्पित दिसंबर में आए थे, अर्पित दिसंबर में आए थे मुझसे मिलने के लिए पुणे। फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोई लड़के से मिलने जाता है तो रात को जाता है क्या, फिर भी मैं रात को गई थी बिकॉज वो कैनेडा से आया था और मैं पुणे में रह के उससे मिलने नहीं जाती तो थोड़ा अजीब हो जाता। सो मैं रात को गई थी और मुझे थोड़ा सा कोल्ड था, मतलब मैं खांस रही थी। हम स्टारबक्स गए थे और उसने मेरे लिए गंदी सी जिंजर वाली कोई तो सूप टाइप का, मतलब पता नहीं क्या था, वो ऑर्डर करा और बोला आप ये पी लो और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया। तो वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। आज ये जोड़ा पहन रही थी तो मुझे अभी भी याद है, मैं बोलती थी पापा कोई और ड्रेस चाहिए मुझे, तो पापा बोलते फ्रॉक ले आओ। अभी भी उनके दिमाग में मैं वही छोटी बच्ची हूँ जो कहते हैं कि फ़्रॉक ख़रीद लेते, तो उनको अभी भी वही चीज़ पसंद है। मैं अभी भी मम्मी के साथ सोती हूँ, घर जाती हूँ तो अभी भी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये खाना मत बनाना, ये बनाना मैं आ रही हूँ। तो मम्मी बहुत सारे मसाले वाली सब्जी, मैं बोलती हूँ चावल दाल कोई भी आलू भुजिया बना दो बहुत है मेरे लिए। अर्पित ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, फैमिली, उसकी मॉम, उसके डैड, उसका भाई, तीनों ही मुझे ऐसे लगते ही नहीं है कि मेरे अपने नहीं हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे पहली बार भी मिलने पे कि वो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं। अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी शादी हो रही है। दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो हमेशा से ही स्ट्रांग थी, शायद 2.5 साल पहले से, एंड हमेशा ही वैसा ही है। कुछ भी दिखाते नहीं है बट बहुत केयर करता है। सदे निभावन सजन बनावन यारिया लखा।
बनावन यारी नावन यारी रोटी अखा दे मोती वारिया करण हथा दे फाइनली आज शादी का दिन आ गया है। काफी टाइम इस चीज का वेट भी हुआ दो ढाई साल पहले की बात। शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से, उसके बाद हुई मुलाकातें और मुलाकातें बन गई रिश्ता। आज बैठा हूं शेरवानी में, पागल है नालायक भी बोलता हूं उसको। बोलता हूँ उसको
बिना यारिया। इना यारिया दे सदके दे सद दे सदके पंच दे सदके यारिया दे सद यारिया दे सदके इना यारिया दे सद इना यारिया दे सदके पंजा पंजा पीरानू पंजा पीरा पंजा पी पंजा पीरानू छड़ के असला लई असला लैया तेरे नाल असला लैया तेरे नाल असला लैया तेरे नाल दे सदके पंजा पीरानू छड़ के पीरा पंजा पंजा पीरानू छड़ के असला लैया तेरे नाल तेरे नाल ए ए आरिया
असला लैया तेरे नाल ए असला लैया तेरे नाल ए यारिया बदलन पसाने वरना बदलन 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 पसाने बदलन
बदलन पसारे वरना बदलन 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 तेरे नाल ए यारिया
अर्पित दिसंबर में आए थे मुझसे मिलने के लिए पुणे. फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोई लड़के से मिलने जाता है तो रात को जाता है क्या, फिर भी मैं रात को गई थी बिकॉज़ वो कैनेडा से आया था और मैं पुणे में रह के उससे मिलने नहीं जाती तो थोड़ा अजीब हो जाता. सो मैं रात को गई थी और मुझे थोड़ा सा कोल्ड था, मतलब मैं खांस रही थी. हम स्टारबक्स गए थे और उसने मेरे लिए गंदी सी जिंजर वाली कोई तो सूप टाइप का, मतलब पता नहीं क्या था, वो ऑर्डर करा और बोला आप ये पी लो. और उसके बाद पीछे से वो ऑरेंज जूस लेकर आया. वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी. आज ये जोड़ा पहन रही थी तो मुझे अभी भी याद है, मैं बोलती थी पापा कोई और ड्रेस चाहिए मुझे, तो पापा बोलते फ्रॉक ले आओ. अभी भी उनके दिमाग में मैं वही छोटी बच्ची हूँ जो कहते हैं कि फ़्रॉक ख़रीद लेते, तो उनको अभी भी वही चीज़ पसंद है. मैं अभी भी मम्मी के साथ सोती हूँ, घर जाती हूँ तो अभी भी मम्मी को बोलती हूँ मम्मी ये खाना मत बनाना, ये बनाना मैं आ रही हूँ. तो मम्मी बहुत सारे मसाले वाली सब्जी, मैं बोलती हूँ चावल दाल कोई भी आलू भुजिया बनाओ तो बहुत है मेरे लिए. अर्पित ने मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी दी है, फैमिली. उसकी मॉम, उसके डैड, उसका भाई, तीनों ही मुझे ऐसे लगते ही नहीं है कि मेरे अपने नहीं हैं. और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे पहली बार भी मिलने पर कि वो पहली बार मुझसे मिल रहे हैं. अर्पित पता नहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि अभी शादी हो रही है. दोस्ती जिस तरीके से है वैसी ही रहेगी, सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता आज जुड़ेगा, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो हमेशा से ही स्ट्रांग थी, शायद 2.5 साल पहले से. एंड हमेशा ये वैसा ही है, कुछ भी दिखाते नहीं है बट बहुत केयर करता है. सदन भावन सजन बनावन यारियां खादी रोटी अखा दे मोती वारियां करण हथा दे करम ने भावन आईया हथाते मेहंदी लावण मिठड़ी आरिया लागे अखियां बस तोरे फाइनली आज शादी का दिन आ गया है. काफ़ी टाइम इस चीज़ का वेट भी हुआ. 2.5 साल पहले की बात, शुरुआत हुई छोटी मोटी बातों से, उसके बाद हुई मुलाकातें और मुलाकातें बन गई रिश्ता. और आज बैठा हूँ शेरवानी में, पागल है नालायक भी बोलता हूँ उसको. दे सद के पंजा पीरानू छड़ के असला लैया ते